गाइस आई फाउंड दिस लिटिल बडी जो मेरे घर के जस्ट सामने ऐसे रास्ते पे गिरा पड़ा था एंड नोबडी केम टू हेल्प इट। देखिए कैसा तड़प रहे, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, बट जितने भी लोग आसपास से गुजर गए किसी को ये हिम्मत तक नहीं हुई कि वो उसे उठाकर इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें। आई थिंक कि अब धीरे धीरे इसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है। आई विश कि इसे छत पे इसकी माँ मिल जाए। इसी होप के साथ मैं इसे छत पे लेके जा रहा हूँ। बहुत कोशिशों के बाद भी आई थिंक ये सरवाइव नहीं कर पाया। इट इज़ नॉट मूविंग एट ऑल। सॉरी किरो। गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी आप किसी बेबी बर्ड को ऐसे कंडीशन में पाए तो इंस्टेंटली उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। ये मेरे सामने वाले यार्ड पे गिरा हुआ था पर लोगों ने इसकी मदद नहीं करी, मुझे मालूम पड़ा, और मैंने इसे हाथ पे लेकर के सहलाने की कोशिश करी। आई थिंक कि अगर पहले इसे कुछ ट्रीटमेंट मिल गया होता तो शायद इसकी जान बच गई होती। प्लीज़ इतना भी हार्श मत बन जाइए कि आपके सामने एक छोटा सा बच्चा मर रहा हो और आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। भगवान से प्रे कीजिएगा गाइस कि इसकी आत्मा को शांति मिले। सो सॉरी कि मैं इसे नहीं बचा पाया। आज ब्लैकी भी हमारे साथ इसमें शामिल है। डोंट बाय बाय लिटिल एंजल।